हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रानी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों आज हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। देखेंगे कि बैंक निफ्टी का मूव्स लास्ट 2-3 डेज से वोलेटाइल ना होते हुए स्टकी मूव है। मतलब इंडेक्स एक रेंज बेस में फंस चुका है और आपने देखा कि आज के दिन में वो एकदम से डाउन हुआ सडन से और वापस से रिवर्स हो चुका। तो हम उस स्टॉक के बैंक निफ्टी के बारे में, इवन निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या किस ऑप्शंस को बाय करके हम पैसा बना सकते हैं। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स है, इफ यू वांट टू वर्क विद मी एंड सो दैट यू कैन ओपन जस्ट अकाउंट विद दैट पर्टिकुलर लिंक्स और यू कैन एंजॉय अवर कॉल्स। ओके, मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी, एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड, आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों दोस्तों देखिए, आपने आज का मूव देखा, ये देखिए एक बेसिक रेंज थी जिस रेंज को तोड़ के मार्केट ने सडन, यहाँ देखिए आप यहाँ पर एक नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड दिया और वो इतना खतरनाक था कि आप समझे कि करीबन करीबन उसमें 500 से लेके ये देखिए 500 पॉइंट का आराम से, यस 500 से ज्यादा पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपने वहां पर देख लिया। ठीक है, तो अभी मैं ये चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है जो कि आपको भी दिख रहा है और ये रेसिस्टेंस प्ले कर रहा है 31,400 के आसपास। ठीक है, नीचे सेम में ये सपोर्ट के काम कर रहा है, देखिए आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए नीचे में आपको ये सेम रेंज पर आपको यहाँ पर सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट है सेम और ये यहाँ पर भी आपको सपोर्ट ही प्ले होते हुए दिखा 10-20 पॉइंट का। नहीं, हम थोड़ी बड़ी बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक रेंज मिल चुकी है, इवन आप यहाँ देख रहे हैं कि भैया बस सिंपल सा, अगर आपको कल ये ऑप्शन कॉल मीन्स अगर आपको 31,400 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर टिकते हुए मिलता है तो ऑब्वियस है कि आपको 31,400 का कॉल बाय कर लेना चाहिए। अगर आप उसको कॉल बाय करते हैं तो क्या हो सकता है, देखिए टारगेट्स आना बहुत इजी है और बहुत ज्यादा अच्छे से आ सकते हैं, क्यों क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि मैंने बहुत दिन पहले बनाई थी, जिसमें मैंने पहले दिन बोला था आपको कि इस तरीके से काम करेंगे तो सेम वैसे ही हुआ, आपको 150 पॉइंट का गेन मिला और नेक्स्ट डे में मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही उस ब्रेकआउट के बाद में उस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ने के बाद मार्केट ने आपने देखा कि वो रुका ही नहीं और वो चलता ही गया 31,600 तक। आज आप देख रहे हो कि इसमें नए हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे 31,400 के कॉल ऑप्शन की कि अगर 31,000 यानी हम देखेंगे वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन, वीकली एक्सपायरी का अगर कॉल ऑप्शन मुझे मिलता है ऑब्वियसली कि अगर इस रेंज को तोड़ देना है, मतलब मैं कहूंगा कि आपको जब भी बाय करना है तो 280 के ऊपर अगर आपको ऑप्शन कॉल मिलता है, 31,400 का कॉल ऑप्शन 280 के ऊपर अगर मिलता है, यू नीड टू बाय विद द लेस क्वांटिटी, ओके नॉट अ अग्रेसिव क्वांटिटी बिकॉज यू ऑल आर नॉट अ अग्रेसिव ट्रेडर। इफ यू आर अग्रेसिव ट्रेडर दे कैन यू कैन बाय अ मल्टीपल लॉट्स अकॉर्डिंग टू यू, ओके बट अ सिंपल और सेफ ट्रेडर्स नीड टू बाय अ वन और टू लॉट्स ओनली। ओके, द सेम यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज योर स्टॉप लॉस जोन और मैक्सिमम यू कैन पुट मतलब ट्रेलिंग एसएल फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको जाता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि 280 रुपए पे अगर आप उसको बाय करते हैं तो आपको जो टारगेट आएंगे वो 350 और 400 प्लस के भी टारगेट्स आ सकते हैं विद द वेरी स्मॉल 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको करीबन 120 पॉइंट तक के टारगेट आ सकते हैं और वो बकायदा आ सकते हैं। ठीक है, बट उसके बाद क्या हो सकता है हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे बिल्कुल, ये देखिए आपको 400 पॉइंट तक के टारगेट आराम से दिखते हैं और दोस्तों देखिए सिंपल है कि अगर मार्केट को कवर होना होगा ना ऑब्वियस है तो वापस कवर होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए कि डेली चार्ट पर आपको कितना बेहतरीन नजारा बैंक निफ्टी में। आपको वापस बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में लेके जाता हूँ। देखिए हमारे चैनल की एक्यूरेसी दोस्तों मोर देन 90% है, अगर आप हमारे साथ अकाउंट भी ओपन करते हो तो यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ कॉल विद द एक्यूरेसी ऑफ 90%। ओके, जो आपने पास में भी देखी है और आप वीडियोस के माध्यम से भी देखते, आपने कोई शायद एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें अशोक लेलैंड के कॉल पर मैंने वीडियो बनाई थी, अशोक लेलैंड का कॉल फट गया, आपने धानी धानी सर्विसेज जो कि पहले क्या नाम था उसका, इंडिया बुल्स वेंचर्स करके नाम था उसका, वो सारे स्टॉक आपको फटते हुए दिखे हैं दोस्तों और उनका आप सिर्फ ये देखिए कि ये देखिए धानी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या भाव हो चुके। ये स्टॉक आई एम रिकमेंडिंग फ्रॉम 160 बॉस, तो इज दिस स्टॉक इज पर्टिकुलर फ्रॉम 162 320 यानी ऑलमोस्ट 100% गेन और स्टॉप लॉस आपने देखा होगा कहाँ था,
अशोक लेलैंड फट चुका है दोस्तों। अशोक लेलैंड आज 105 रुपए का भाव है, वो भी मैंने दिया था लास्ट वीडियो में। मैंने कुछ और भी बहुत सारे कॉल बताए थे दोस्तों। अगर आप हमेशा हमारी वीडियोस को फोकस दी यानी देखते हैं, लोगों के साथ शेयर करते, तो दोस्तों आप तो खुद बेनिफिट होंगे ही होंगे, दोस्तों दूसरे भी बहुत लोग बेनिफिट होंगे। और हम यही चाहते हैं कि अगर कोई हमसे पैसा कमाता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ पैसा कमाना और बनाना आना चाहिए। देखिए ठीक है, वो कार्ड्स हमने दिया था, इंडिया बुल्स हाउसिंग पिंडा, इंडिया बुल्स वेंचर्स दिया था, अब इंडिया बुल्स स्टॉक, इंडिया आई बुल का स्टॉक देखिए दोस्तों, आई बुल हाउसिंग फाइनेंस कहां से कहां पहुंच चुका है दोस्तों। ये स्टॉक हमने 160 से रिकमेंडेशन दिया था, सॉरी 160 से रिकमेंडेशन दिया था आपको, देखिए 230 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। अगर आप इसको बजाज होल्डिंग को भी देखेंगे दोस्तों, तो बजाज होल्डिंग तो मैंने 2300 रुपए के आसपास से रिकमेंडेशन दिया था, और देखिए उसका स्टॉक तो प्रीवियस में 3300 गया, पर अगेन अभी भी आप देखिए तो वो उस रेंज से ऊपर ही चल रहा है जो मैंने रिकमेंडेशन दी है दोस्तों। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर आप इस कॉल ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हैं तो 280 के अबो में लेके 330 और 350 तक बुकिंग जोन पकड़िए। अगर आप पार्ट क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो, और अगर फुल में बुक करना चाहते हैं तो भी आप इजीली कर सकते हैं। अबो 350 इट विल बी अ फायर टिल 400 विद द रेंज, आप प्लस माइनस कर सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि 400 है, 390 से भी रिवर्स हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, आप इसको कैसे लेना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ हम मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और धन्यवाद आपका। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय श्री महाकाल।